लोग आफ्टर इलेक्शन करेंगे। भूपेश बघेल जी रायबरेली में बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री चुनेगी रायबरेली की, क्या मतलब है? बघेल जी अगर उन्होंने कहा तो उनसे पूछिए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि 2004 में हुआ था, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चयन, जितने भी हमारे यूपीए सरकार के यूपीए अलायंस थे तो उसमें प्रोग्रेसिव अलायंस के हमारी गठबंधन था, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तय किया, क्योंकि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, तो सभी ने उसको स्वीकार कर लिया और वे बड़े सफल प्रधानमंत्री साबित हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। बिल्कुल ये हंसने लायक मजाक है कि नहीं है? उन्होंने जीवन में इसके अलावा कुछ किया है क्या? अच्छा, अयोध्या बघेल जी के बयान से जो एलाइज पार्टनर आपके हैं वो नाराज हैं, वो नाइतपति जता रहे हैं कि ये चुनाव के बीच मेरे से बात नहीं। अच्छा, आप यूपी में हैं, यूपी में 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका कोई फर्क दिख रहा है आपको? आप आज इलाहाबाद में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पंडितों की कोई कमी नहीं है, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, सनातन धर्म के ज्ञाताओं की कमी नहीं है। कभी भी अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? एक नंबर दो, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यजमान जोड़े से बैठता है, क्या उसका पालन दोनों का हुआ क्या? अच्छा ये बताइए, जोड़ा नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी क्या? नहीं, जोड़ा नहीं होगा तो जोड़ा यजमान ऐसा बनेगा जो जिसका जोड़ा होगा। केजरीवाल जी ने अभी बयान दिया है, केजरीवाल जी के बयान पर मुझसे टिप्पणी क्यों मांगते हैं? ईवीएम पर सवाल उठाया फिर से आपने, क्या लगता है? मैं तो आपने तो 2003 चुनाव आयोग पे सवाल उठा दिए, आज पहली बार उठाया क्या? मैंने तो कोई इलेक्शन कमीशन बता दीजिए, कोई इलेक्शन कमीशन बता दीजिए जो 28 रिकग्नाइज पार्टी, जिसमें कि नेशनली रिकग्नाइज पार्टी मिलने का समय मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने आज तक समय नहीं दिया हम लोग। लेकिन ईवीएम क्या मांगे? ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा है? समझाया है, समझाया कुछ हद तक समझ में आई है, और सिंबल लोडिंग यूनिट को उन्होंने जो इलेक्शन पिटीशन की तारीख पूरी होने तक रखने का आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ा निर्णय है उनका ये। तो 2024 क्या होगा, फाइनल क्या कहेंगे? मेरा तो ये अंदाजा है कि जो पब्लिक मूड उभर कर सामने आया है और जो प्रेशर है, क्योंकि अगर पकड़े गए ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं तो जनता इनको इतना क्या क्या दंड देगी, मैं नहीं कर रहा। आप लोग कितनी सीटें पाएंगे यूपी में और पूरे देश में? देखिए मेरा बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना जरूर है कि 400-800 पार की तो बात बेकार है। अच्छा, बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि ईवीएम का इसीलिए नाम लिया जा रहा है कि हार का डर है, पहले से ईवीएम को खराब बताया जा रहा है। बात ये आज से कर रहे हैं क्या? मैं तो 2003 से ईवीएम की भरोसा नहीं करता, बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता वोट कहाँ गया। अच्छा, आप इलाहाबाद आए हैं, ईवीएम खराब जहाँ कांग्रेस जीती, मैं तो आपको बोल चुका हूँ इस मामले में श्रीमान कि बड़ा होशियारी से ये लोग करते हैं, दक्षिण भारत में ये लोग करते नहीं, हिंदी बेल्ट में करते हैं, करीब 270-275 सीटों पर लोकसभा में ये लोग करते हैं। अच्छा, इलाहाबाद सीट 84 के बाद कांग्रेस कभी जीती नहीं है, उज्ज्वल जी हैं, किस तरह से आशीर्वाद देने आए हैं और क्या लग रहा है आपको? आशीर्वाद दोनों हाथों से, क्या लग रहा है सीट जीतते हैं? युवा है, योग्य है और अनुभवी है, नहीं जीतेंगे। एक मिनट चुप हो जाओ। आज हवा मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की जो बराबर झूठ बोलने के प्रभाव आते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर मोदी जी बात ही नहीं करते। कोई भी उनका ऐसा वादा नहीं जो पूरा उन्होंने किया हो, इसलिए लोगों में इस बात की पूरी शुरुआत है कि अब इस बार एनडीए सरकार नहीं बन पाएगी। अगर आप जैसा कह रहे हैं, अगर आपकी इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तो तय करिए, जैसे पिछली बार 2004 में किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो पहले नहीं हुए थे। अच्छा, यूपी के दो जो लोकसभा सीटें हैं महत्वपूर्ण हैं गांधी परिवार से हैं, उसमें से अमेठी और रायबरेली, रायबरेली को लेकर एक बार फिर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है यहां से नहीं जीतेंगे और बीजेपी दावा कर रही है। बात यह है रायबरेली सोनिया जी जीतती आ रही है और पिछले चुनाव में भी उसी अमेठी भी राहुल गांधी जी जीते, लेकिन अब रायबरेली में तो मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन